ओके okay, आवाज आ रही है यस yes, सर अभी आ रही पहले नहीं आ रही ओके okay, ठीक है अच्छा वो ठीक है अभी मैं बोल रहा हम मैं कहता कि वी वर डिस्कसिंग द मेकेनिज्म ऑफ द लाइट रिएक्शन

लाइट एनर्जी क्या करती है उसको ब्रेक डाउन करती है बाय फोटोस्लाइसिस एंड ऑक्सीजन उसमें से आपके पास क्या हो जाती है रिलीज हो जाती है ठीक है वाटर वाटर में से द रिमेनिंग हाइड्रोजन एटम जो है water, वो आपके पास इलेक्ट्रॉन को गिव करते हैं टू क्लोरोफिल एंड वो भी आइंस बन जाते हैं ठीक है आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है एक हाइड्रोजन एटम वो आपके पास पास हो जाता है क्लोरोफिल को एंड जो रिमेनिंग है वो आपके पास क्या हो है? है, जाता है आइन बन जाता है ठीक है मीन उसपे चार्ज आ जाता है अच्छा अब इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास क्लोरोफिल में जाने के बाद एंड प्रोडक्शन ऑफ एटीपी हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर जो है वो यूज होता है फॉर द रिडक्शन ऑफ एनएडीपी इनटू एनएडीपी रिडक्शन क्या होता है इट इज द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है जो आपके पास फोटोलाइसिस के बाद जो है आपके पास हाइड्रोजन है, है वो यहाँ पे एन को कन्वर्ट कर देता है इन टू एन है ठीक है तो अगर मैं आपको आ, ये था सारा का ये आपको बता दूँ लाइट रिएक्शन कैसे होता है ठीक है तो देखें लाइट रिएक्शन में सबसे पहले ये होता है कि आपके पास लाइट एनर्जी पड़ती है क्लोरोफिल पे एंड आपके पास क्या होता है क्लोरोफिल का एनर्जी लेवल इंक्रीज किया जाता है एंड इट एमेट इलेक्ट्रॉन ठीक है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको एमेट करते हैं सेकेंड हैंड पे क्या होता है आपके पास के जो वाटर है उसकी ब्रेक डाउन होती है एंड ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है एंड जो हाइड्रोजन है वो आपके पास वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ठीक है क्लोरोफिल को अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन जो है आपके जो क्लोरोफिल से आए थे वो ए बनाते हैं जो है आपके पास वाटर से आए थे वो आगे आपके पास ये पास आउट हो जाते हैं एन को कन्वर्ट करते हैं इन टू

जो आपके पास कैलवन साइकिल में डार्क रिएक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो हम देखते हैं डार्क रिएक्शन हमने कहा रिएक्शन uh, में इन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड विच कार्बन डाइऑक्साइड इज डाइऑक्ड टू फॉर्म ग्लूकोज ठीक है जो लाइट रिएक्शन में एटीपी टी एंड एन एन बने थे वो यहां पे यूज होंगे और CO2 आपके पास रिड्यूज uh, होता है ग्लूकोज बनने में इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल व्हिच कम्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ठीक है Uh, वो फाइव कार्बन कंपाउंड के साथ जो है वो uh, मिल के टेम्परे टू सिक्स कार्बन कंपाउंड बना देते हैं ठीक है के ये होते हैं एक कार्बन जो है वो कार्बन बना देते हैं ठीक है carbon होता है इनटू टू थ्री कार्बन कंपाउंड में ठीक है स्प्लिट क्या हो जाता है दो तीन तीन के कंपाउंड बन जाते हैं अब ये थ्री कार्बन कंपाउंड रिड्यूस होता है ठीक uh, carbo है थ्री कार्बन कंपाउंड्स रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट बनाता है, है बाय एटीपी यूजिंग एटीपी टी पी जो कि लाइटन में प्रोड्यूस हुई थी एंड हाइड्रोजन बनाता है फ्रॉम एनएडीपीएच फ्रॉम एनएडीपीएच पी एच जो एन से हाइड्रोजन ले लेता है ठीक है एंड आपके पास वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है और आपके पास जो थ्री रिमेनिंग कार्बन कंपाउंड है सॉरी थ्री कार्बन वो आपके पास है यूज होते हैं आगे किस में ग्लूकोज बनाने में ठीक है तो आपके पास इस तरह ये बनता है ठीक है अब वो आपके पास जो आगे यूज जो अगर होते हैं मैं आपको थोड़ा से इसको बता दूँ ये ठीक है अब ये जो थ्री ये देखें तो ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपके पास एटमोसफेयर से आती है और ये फाइव कार्बन कंपाउंड है ये आपके पास प्रेजेंट होता है इनसाइड द प्लांट ये दोनों मिल गए ये दोनों मिल गए आपके पास क्या बना देते हैं सिक्स कार्बन कंपाउंड बना देते हैं ठीक है अब ये सिक्स कार्बन कंपाउंड स्प्लिट होते हैं इन टू थ्री थ्री कार्बन कंपाउंड में एंडर्जी एन 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 डी पी एच यूज होती है ठीक है, है अच्छा ये जो थ्री कार्बन कंपाउंड है एक थ्री थ्री कार्बन कार्बन कंपाउंड कंपाउंड आपके पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन में बना देते हैं एंड जो रिमेनिंग है वो आगे जाके फिर आपके पास क्या बना देते हैं फाइव कार्बन कंपाउंड बना देते हैं और इसी तरह वो फाइव दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड के मिल के साथ इस तरह ये साइकिल क्या होता है कंटिन्यू रहता है ठीक है इसमें आप याद रखना है जो ए टी पी एन 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 डी पी एच जो कि आपके पास लाइट uh, एक्शन में Reduce हुए थे वो यहाँ पे यूज होकर ए टी पी ए डी बी में कन्वर्ट हो जाती है एन ए डी पी एच एन ए डी पी में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तो इसको हम सारों को साइकिल कहते हैं एंड इस तरह आपके पास ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर ठीक है सो दिस इज द लाइट रिएक्शन वे अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ द लाइट इसमें कहीं पे भी लाइट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती बल्कि लाइट से जो ए टी पी एन एन ए डी पी एच मूल बने थे वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें ठीक है

लाइट एनर्जी का टेम्परेचर लाइट एनर्जी या आपके पास टेम्परेचर या लाइट इंटेंसिटी की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी आपके पास क्या होता है इफेक्ट होता है ठीक है आप देखें लाइट एनर्जी बेसिकली लाइट रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के तो जैसे ही लाइट एनर्जी डिक्रीज करेगी तो आपके पास फोटो का आपके पास जो आपके पास है फोटो का प्रोसेस भी उसका स्टॉप हो जाएगा ये डिक्रीज कर जाएगा बिकॉज लाइट लो है लाइट एनर्जी कम है तो आपके पास डेफिनेटली uh, क्या होगा कि आपके पास विदाउट लाइट देर इज नो फोटो तो लाइट कम होगी तो फोटो की रेट जो है वो भी आपके पास क्या होगी कम हो जाएगा इसी तरह आपके पास अगर आ, जो आपके पास है लाइट ज़्यादा होती है या नॉर्मल होती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इंक्रीज कर देता है लेकिन एक लिमिट तक ठीक है जब एक लिमिट तक लाइट पहुंच जाती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है मीन उससे ऊपर अब उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ नहीं करती क्योंकि ज़्यादा एक्सट्रीम अगर जाएगा तो फिर भी फोटो का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा इसी तरह आपके पास है कि लाइट uh, जब डिक्रीज करेगी तो डेफिनेटली टेम्परेचर टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा ठीक है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो डिक्रीजेस विद विद डिक्रीज इन द टेम्परेचर ठीक है एंड इट इंक्रीजेस जब आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है बट ओवर अनलिमिटेड रेंज ठीक है एक ले एक रेंज तक है तो अगर आपके पास uh, Uh, जो है वो लाइट इंटेंसिटी लो है टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है तो आपके पास uh, उसको रेट ऑफ फोटोसिथिस होता है वो क्या होता है कम होता है लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो टेम्परेचर अगर लो है तो फोटोसिथेसिस का रेट भी लो होगा एंड टेम्परेचर अगर हाई है तो फोटोसिथेसिस uh, आपके पास रेट uh, भी क्या होगा हाई होगा एंड uh, लेकिन वो एक क्या होता है लिमिट होती है इसकी लिमिट जो है वो अराउंड फोर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड अगर उससे ऊपर जाता है तो प्रोसेस वजह से स्टॉप हो जाता है है ठीक तो आप ये चीज देख लें लाइट एंड टेम्परेचर इम्पोर्टेंट है बट अपू सर्टेन लिमिट ठीक है अच्छा तो सेकंड थिंग जो आपके पास लिमिटिंग फैक्टर है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के कार्बन डाइऑक्साइड देखें आपके पास रिक्वायर्ड होती है कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली आपके पास रिक्वायर्ड होती है फॉर द फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज सेकंड फेज में हमने कहा था द डार्क रिएक्शन डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है इनटू टू ग्लूकोज तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड इस लिहाज से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड इसका इफेक्ट क्या होता है आपके पास कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इंक्रीज कर जाती है कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है इनटू एटमॉस्फेयर तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज

स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं दैट आर द स्मॉल स्पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव सरफेस एंड स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी क्या हो जाता है स्टॉप हो जाता है ठीक है तो अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊं ये है ठीक है ये अभी हमने कहा है कि डार्क रिएक्शन में देखें कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस भी वो आपके पास ज्यादा होगा एंड ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी लेकिन अ सर्टेन लिमिट जब कार्बन डाइऑक्साइड की लिमिट इन बियड चली जाएगी लिमिट से आपके पास ज्यादा हो जाएगी तो जो स्टोमेटा होते हैं आर वो हो हो जाएंगे उस आपके पास क्या होगा photosynthesis का भी हो जाएगा ठीक है तो ये आपके पास दो लिमिटिंग फैक्टर्स थे एक है लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर है एंड सेकंड वन इज द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपके पास के फॉर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन किस तरह अफेक्ट करती है ठीक है तो ये दो फैक्टर्स हैं जो आपके पास फोटोसिंथेसिस के रेट को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं ओके okay. सो so, इसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट uh, टॉपिक है अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड एज करके पूछ सकता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ओके ठीक है So, uh, जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है us, हम देख रहे होते हैं, का हैं, तो uh, फिर उसके बाद एनर्जी so, आप आपके पास जो भी आपको एनर्जी मिल्ट होती है वो दैट इज बिकॉज ऑफ रिस्पायरेशन जिस तरह अगर आप देखें तो अगर कोई आप फ्यूल बर्न करते हैं तो उसमें क्या होती है ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है ऑक्सीजन यूज होती है एंड वो आपके पास एनर्जी होती है लाइट एंड हीट की फॉर्म में आती है ठीक है इसी तरह आपको जो इसमें क्या होता है कि जो कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ब्रेकडाउन होता है फ्यूल में एंड ऑक्सीजन जो है वो यूज होती है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन फ्यूल मॉलिक्यूल ठीक है इसी तरह आपके जो बॉडी में है जो फूड आप इनटेक कर रहे हैं दैट उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेक डाउन होती है एंड दैट टू रिक्वायर द एटीपी एंड आपके पास वो ऑक्सीजन के थ्रू आती है ठीक है तो इसी तरह आपके पास जो फूड uh, में ऐसी है जो बॉन्ड प्रेजेंट है उनको एटीपी चाहिए होते हैं एटीपी ब्रेक डाउन के लिए एंड दैट ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन जो आपके थ्रू बनते हैं तो ऑक्सीडेशन डिडक्शन रिएक्शन और इम्पोर्टेंट जो कि आपके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं और उस तरह आप आपके पास पास प्रोड्यूस होती हैं जो आपके पास आगे सेल uh, में या आपकी बॉडी में यूज होती हैं ठीक है तो सेलुलर सेलरेशन क्या होती है इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो इसमें भी प्रोडक्शन होती है ठीक है तो दो तरह की क्या रिस्पायरेशन होती है एक आपके पास एरोबिक होती है विचक्कर इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सेकंड वन इज एनएरोबिक विचक्कर इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सो दिस इज इट फॉर टुडे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक तो वो अभी मुझसे पूछ सकता है अगर किसी का है क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करें ओके okay. किसी का कोई क्वेश्चन है ठीक है सो so, फिर हम क्लास को एंड करते हैं तो अगर आपने इसको दोबारा भी